नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बीसीसीआई के मुंबई दफ्तर में शिवसैनिकों ने मचाया उत्पात। पाकिस्तानी हस्तियों के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सोमवार को द्विपक्षीय क्रिकेट की बहाली के लिए पीसीबी प्रमुख शहरयार के साथ प्रस्तावित बातचीत के विरोध में यहां बीसीसीआई के दफ्तर में घुसकर प्रदर्शन किया। नारे लगाते हुए सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ता आज बोर्ड के मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष शशांक मनोहर का घेराव भी किया, जिससे उनके और शहरयार के बीच बातचीत रद्द करना पड़ी। शिवसैनिकों का कहना था कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है। बोर्ड अधिकारी राजीव शुक्ला ने कहा कि बातचीत रद्द नहीं हुई है। लालू प्लास्टिक की चप्पल से कटने वाले दर्द की तरह हैं, केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने लालू आरजेडी के 15 साल के शासन को प्लास्टिक के चप्पल से कटने पर होने वाले दर्द की तरह करार दिया है, जिसे बिहार की जनता कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि लालू के उस जंगल राज की वापसी से सहमी जनता एनडीए को वोट कर रही है। चुनाव प्रचार के लिए 3 महीने से पटना में डटे वरिष्ठ भाजपा नेता सिंह के मुताबिक अब तक जिन 82 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें एनडीए को 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में कदम उठाने के लिए अमेरिकी सरकार को आदेश दिया है। तेहरान और 6 विश्व शक्तियों के बीच हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौतों के अनुरूप यह कदम उठाया गया है। वियना में जुलाई में हुए समझौतों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलने के 90 दिनों के बाद ओबामा ने यह आदेश दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के महोबा की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सवाल खड़ा करने के आरोप में मामला पंजीकृत करने के आदेश के साथ ही उन्हें आगामी 19 नवंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने जेटली के खिलाफ समन भी जारी कर दिए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद यहां हड़कंप मचा है। सूत्रों के अनुसार कुलपहाड़ के सिविल जज अंकित गोयल ने अखबारों में छपे अरुण जेटली के उस बयान को बेहद गंभीर और आपत्तिजनक माना, जिसमें उन्होंने जजों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के 2 दिन पहले आए आदेश पर सवाल खड़ा किया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।